हेलो गाइस, गिद्दर बता है फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ फोटोग्राफी। मैं कल यहाँ से अमृतसर से निकला था एयर अबाउट 11 बजे और लगातार ड्राइव करके मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे पहुँचा, और अभी निकलूँगा मैं थोड़ी देर में। और बैठा यार, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो ताकि आपके दोस्तों को भी ये जो अनोखा नज़ारा है वो देखने को मिले। और चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो यहाँ का माहौल है। सो गाइस, यहाँ पे मैं रुका था, ये लगा रखा मैंने टेंट, नीचे आप मेरे पीछे देख रहे हो, और ये पीछे होटल है पूरा, यहाँ पे पार्क था उसके अंदर मैंने टेंटिंग वगैरह कर रखी है। और अभी सुबह के टाइम तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट मेरे को मेरे स्लीपिंग बैग ने बचा लिया रात भर, और बाद इसको सारा समेट के निकलूँगा थोड़ी देर में आगे की डेस्टिनेशन भी, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइज, अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे बारामूला वाली साइड में, और हम हैं मीर भाई के घर में, और ये अपने मीर भाई हाय। और गाइज, हम जा रहे हैं आगे ट्रैक के लिए, गुलमर्ग निकलेंगे यहाँ से, और भाई बाइक की ट्रेवल करेंगे, नियर अबाउट आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। सो चलो मैं रास्ते में भी आपको व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ के। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं पहुंच चुका हूं यहां पे गुलमर्ग में, और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का ट्रैक जो कि गुलमर्ग जहां से गंडोला स्टार्ट होता है, फेस वन तक जाएंगे। सबसे पहले आप सभी लोग यहां पे आए होंगे, और हम गंडोला करके नहीं जा रहे, हम बाय ट्रैक जा रहे हैं, और मेरे साथ हैं मीर भाई जो गाइड कम और मेरे भाई ज़्यादा है। गंडोला वाला रूट जो है वो मेरी लेफ्ट साइड पर है उधर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे जा रहे हैं हम यहाँ से। सो गाइस, अभी मुझे 10 मिनट हुए हैं चढ़ते चढ़ते, और सांस तो ऐसे फूल रही है जैसे एक घंटा चढ़ाई चढ़ रही हूँ मैंने। फर्स्ट फेज पे जाने के लिए 740 रुपये हैं और गंडोला से, और अगर रास्ते में आते आते ठंड तो बहुत लगी, डबल जैकेट पहन रखा है मैंने इसके नीचे भी। मीर भाई तो अपने मस्त चढ़ रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ के ही हैं। हो मेरा तो यहीं पे बैंड बज गया लगता, पर नहीं, थोड़ा सा रेस्ट करके हौसला आ जाता है। अभी काफ़ी दूर है तो मंजिल बहुत दूर है, अभी ये बर्फ़ में चलना पड़ रहा है। फर्स्ट फेस में हमें जाके और बर्फ़ मिलेगी, तो यहाँ पे हमारे कश्मीरी भाई लोग भी जा रहे हैं ऊपर, जो काम वगैरह करते हैं ऊपर, ये भाई लोग जा रहे हैं ऊपर, हम भी इनके साथ साथ ही चलेंगे ऊपर तक। वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, बस वही वाला है मेरा कि स्लो जा रहा हूँ तो पहुँच जाऊँगा। इसके हाफ में पहुँचे हैं मैं और मीर भाई, अभी हाफ और जाना है। हम यहाँ पे रुके थे पानी लेने के लिए, नीचे तो हमने पानी कैरी किया नहीं, अभी हमने पानी कैरी किया, और अभी हम अभी दोबारा चलेंगे इसी ट्रैक पर। अभी थोड़ा सा यहाँ से तो इजी लग रहा है, बट ये कि आगे जाके देखो कैसा होता है। चलाओ चलते हैं साथ साथ में इकट्ठे, लेट्स गो। ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बस पहुँचने वाले हैं विदिन फ्यू मिनट्स, थोड़ा सा और चलना होगा, थोड़ा सा और जोश दिखाना होगा, और फिर हम होंगे फेस वन पे। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं फाइनली फर्स्ट फेज पे। चलो वो आपको दिखाता हूँ, नियर अबाउट 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और मेरे पीछे आप
व्यू देख सकते हो यहाँ का। यहाँ पे ये लोग अभी स्कीइंग कर रहे हैं, ये वाले, ये स्लोप है, फोटोग्राफी भी चल रही है और स्कीइंग भी चल रही है। मेरे पीछे गंडोला तो आप देख ही रहोगे, और भूख सुबह की हमें लगी हुई है, और सिर्फ हमने चाय और दो रोटी खाई और निकल गए। कश्मीरी रोटी जो यहाँ की सुबह मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं वो खाया हमने, और निकल गए हम फर्स्ट फेज के लिए। अभी कुछ खाते पीते हैं, चलो आ जाओ। सो गाइस, हमने यहाँ पे गुलमर्ग में काफ़ी मज़े कर लिए हैं, और उससे पहले हमें यहाँ पे नीचे बर्फ़ से ट्रैक करके नीचे भी जाना होगा, जो हमें नियर अबाउट 1.5 से 2 घंटे लगेंगे नीचे जाते हुए। और आपने सारा कुछ देख लिया कैसे मैंने इन्जॉय किया, और मैं यहाँ पे नीचे नंबर भी छोड़ूंगा, यहाँ पे मेरे भाई हैं साथ में मीर भाई, उनका नंबर छोड़ूंगा। अगर आप कभी भी गुलमर्ग आते हो तो प्लीज़ आप उनके साथ रहिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ की उनको प्रॉपर नॉलेज है, और आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे, स्कीइंग करवाएंगे यहाँ पे। तो चलो चलते हैं, आ जाओ, चले भाई, चलो चलते हैं भाई नीचे, यहाँ पे तो बहुत मज़े कर लिए। मीर भाई थोड़ा सा बोर हो गए, क्योंकि मीर भाई ने पहले मेरा वीडियो उठाया, बाद में फिर मैं उठाने चला गया। उठाने का मतलब होता है फ़ोटो खींचने का, तो यहाँ पे कश्मीरी में बोलते हैं उठाने को, कि जैसे हम फ़ोटो खींचते हैं उसको बोलते हैं उठाना। और यहाँ से नीचे ध्यान से जाना पड़ेगा, अभी मीर भाई बोल रहे होंगे, चलो शुक्र है हम जा रहे हैं, है मीर भाई? अगर मीर भाई अभी बोल रहे होंगे शुक्र है कि हम जा रहे हैं नीचे। क्या मस्त पकाया मुझे गिरधर भाई ने, है मीर भाई? ऐसा तो नहीं है मैंने पकाया तो नहीं आपको? नहीं, हम कहाँ से जाने वाले हैं? उधर से ही, यहाँ से आए हैं, ठीक है। सो ये था गाइस यहाँ पे नज़ारा गुलमर्ग का, सारा आपको दिखाने वाला हूँ। चलो चलते हैं, बाय बाय, अलविदा गुलमर्ग, फिर मिलते हैं।